नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि अगरतला त्रिपुरा से फिरोजपुर कैंट जंक्शन पंजाब के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इसका ट्रेन नंबर है 14619, यानी कि 14619 है। ये अगरतला त्रिपुरा से फिरोजपुर कैंट जंक्शन पंजाब तक हफ्ते में एक दिन चलती है। अगरतला से हर बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को ये फिरोजपुर कैंट जंक्शन पंजाब के लिए रवाना होती है। अगरतला से फिरोजपुर कैंट जंक्शन तक की जो दूरी है ये 55 घंटे 40 मिनट में कवर करती है, और इसके तकरीबन 32 स्टेशन हैं। 2897 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमीटर पर आवर। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। वेब 7 और WDM 3A और WDP 4D इंजन जो है इसमें लगाए जाते हैं। और अगर हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। सेकंड AC, थर्ड AC और स्लीपर क्लास में आपको कोच जो है रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। जनरल डिब्बों में आपको जो है जनरल टिकट लेकर जाना होगा। तो अगर बात करें इसके सेकंड AC के किराए के बारे में, तो सेकंड AC का जो टोटल किराया है वो है 3585 रुपये, जिसमें 3340 रुपये के करीब तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, अदर चार्जेस 25 रुपये है। टोटल GST चार्जेस जो हैं वो है 171 रुपये। टोटल किराया जो बनता है वो है 3585 रुपये। थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो टोटल किराया है अगरतला से फिरोजपुर कैंट तक का वो है 2435 रुपये, जिसमें 2264 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, अदर चार्जेस 15 रुपये हैं। टोटल चार्जेस जो हैं वो है टोटल GST चार्ज जो है वो 116 रुपये है। बाकी इसमें स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो टोटल किराया है वो है 945 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 910 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज हैं 20 रुपये, अदर चार्जेस जो हैं वो है 15 रुपये। टोटल किराया जो बनता है वो है 945 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। बाकी इसमें चार जो हैं जनरल डिब्बे भी हैं, जिसका तकरीबन किराया 550 रुपये के करीब बनता है अगरतला से फिरोजपुर कैंट जंक्शन पंजाब तक का। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप किराया कंफर्म करने के लिए रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार कोच भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस है आपकी टिकट में इंक्लूड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है डायरेक्टली फूड जो है परचेज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करेंगे त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में, और जान लेंगे अगरतला से इसके फिरोजपुर कैंट जंक्शन पंजाब तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस जो कि अगरतला त्रिपुरा से हर बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को दोपहर के 3 बजे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 55 घंटे 40 मिनट बाद फिरोजपुर कैंट जंक्शन पंजाब में पहुंचती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है अम्बासा। अम्बासा त्रिपुरा में ट्रेन जो है दोपहर के 3:54 पर पहुंचती है, और 3:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 66 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। धर्मानगर त्रिपुरा में ट्रेन जो है शाम के 5:06 पर पहुंचती है, और 5:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 140 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है, और इसका स्टेशन कोड है DMR। पत्थरकांडी रेलवे स्टेशन असम में ये ट्रेन जो है शाम के 5:42 पर पहुँचती है, और 5:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 174 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस जो है असम के न्यू करीमगंज जंक्शन में पहुंचती है शाम के 6:24 पर, और 6:26 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 204 किलोमीटर के करीब जो है अगरतला से न्यू करीमगंज जंक्शन तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। बदरपुर जंक्शन असम में ट्रेन जो है शाम के 7:30 पर पहुँचती है, और 7:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, और 221 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। अपने अगले स्टेशन न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन पे रात के 9:36 पर पहुँचती है, और 9:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, और 292 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है NHLG। इसके बाद ये ट्रेन जो है
लुमडिंग जंक्शन असम में पहुंचती है रात के 12:50 पे और 12:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर, इसका इंजन भी रिवर्स होता है और 390 किलोमीटर की यात्रा जो है अगरतला से लुमडिंग जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद होजाई रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है रात के 2:09 पे पहुंचती है और 2:11 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर आनंद विहार अगरतला राजधानी तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। जागी रोड रेलवे स्टेशन पर रात के 3:26 पर पहुँचती है और 3:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 513 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जागी रोड के बाद ये ट्रेन जो है गुवाहाटी असम में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 5:45 पर पहुंचती है और 6 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 570 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गुवाहाटी असम के बाद त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस जो है न्यू बंगाईगांव जंक्शन जो कि असम का आखिरी स्टेशन है यहाँ पर सुबह 9:15 पर पहुँचती है और 9:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1A प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल का जो पहला स्टेशन है और इस ट्रेन का टेक्निकल स्टॉप है। यहाँ पर सुबह 11:15 पर पहुँचती है और 11:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 25 मिनट का स्टॉप है, 870 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पश्चिम बंगाल में दोपहर के 1:30 पर पहुँचती है और 1:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। कटिहार जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है शाम के 5:20 पर पहुँचती है और 5:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद बरौनी जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है रात के 8:05 पर पहुँचती है और 8:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बरौनी जंक्शन के बाद पाटलिपुत्र जंक्शन जो कि पटना का स्टेशन है यहाँ पर रात के 10:35 पर पहुँचती है और 10:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है ट्रेन। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। उत्तर प्रदेश के पहले स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में रात के 1:55 पर पहुँचती है और 2:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1684 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 4 बजे पहुँचती है और 4:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1837 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में सुबह 6:25 पर पहुंचती है और 6:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 2032 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है दोपहर के 12:35 पर पहुंचती है और 12:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है, सचखंड एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 2474 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। दिल्ली के ही दूसरे स्टेशन शाहकुर बस्ती में ट्रेन जो है दोपहर के 1:15 पर पहुँचती है और 1:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। हरियाणा के पहले स्टेशन रोहतक जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:11 पर पहुँचती है और 2:13 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। भिवानी जंक्शन हरियाणा में दोपहर के 3:10 पर पहुँचती है और 3:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है और इंजन चेंज भी होता है, इलेक्ट्रिक इंजन से डीजल इंजन लगता है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ट्रेन जो है रुकती है। हिसार जंक्शन हरियाणा में ट्रेन जो है शाम के 4:50 पर पहुंचती है और 4:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2652 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हिसार जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा के मंडी आदमपुर रेलवे स्टेशन पे शाम के 5:22 पर पहुँचती है और 5:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 2681 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मंडी आदमपुर का स्टेशन कोड है ADR और इसके बाद त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस जो है वो कलन वाली स्टेशन में पहुंचती है। यहां पर शाम के 6:47 सिरसा में पहुंचती है, कलन वाली पहले बोल दिया, सिरसा रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन जो है
शाम के 6:15 पे पहुंचती है और 6:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर बठिंडा रिवारी पैसेंजर ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 2735 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हरियाणा के आखिरी स्टेशन कलन वाली या कलां वाली स्टेशन में शाम के 6:47 पर पहुंचती है और 6:50 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बठिंडा रेलवे स्टेशन पे रात के 12:30 पे पहुंचती है और 12:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है, 2815 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और बठिंडा जंक्शन का स्टेशन कोड है BTI। और इसके बाद ये ट्रेन जो है त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस जो है पंजाब के कोटकपूरा जंक्शन में रात के 9:23 पे पहुंचती है और 9:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2858 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और कोटकपूरा जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है फरीदकोट पंजाब में रात के 9:40 पे पहुंचती है और 9:42 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2685 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और इसके बाद त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस जो है वो अगरतला से चलकर अपने आखिरी स्टेशन फिरोजपुर कैंट जंक्शन पंजाब में रात के 10:40 पे पहुंचती है और 2903 किलोमीटर के करीब जो है त्रिपुरा अगरतला से फिरोजपुर कैंट जंक्शन तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।